नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के। सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद के द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की गई है पतंगों की दुकानों पर, क्योंकि पतंगों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा था और उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। 3 दुकानों पर रेड की गई है, जुर्माना भी बाकायदा लगाया गया है 25,000 रूपये और 10,000 रूपये। हम आपको बता दें 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, और वहीं जो चाइनीज मांजा है जो प्लास्टिक का, वो भी बैन जिला उपायुक्त ने कल आदेश देकर के कर दिए थे। उसी को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद द्वारा, क्योंकि बाजार में खुलेआम अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रहा है, यूज किया जा रहा है, और उसको लेकर के जो सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक बड़े गोदाम पर सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा पकड़ा गया, जिसमें करीब 3-4 ट्रॉली भर करके सामान ले जाया गया था। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी बड़े गोदाम पर, और आज फिर एक बार कार्रवाई की गई है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से आज भी तमाम रेडियो पे और दुकानों पे सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है प्रयोग किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। आम ग्राहकों को सामान भी अभी भी उसी में डाल करके दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई नगर परिषद के द्वारा की गई है, क्योंकि लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के आवाजें उठ रही है कि अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। और अब पतंगों का सीजन है, ऐसे के अंदर कुछ दिन बाद ही तीज है, और तीज के अंदर जो पतंगे उड़ती है उसको लेकर के भी, क्योंकि प्लास्टिक की पतंगे आने लग गई है और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान देती है, उसी को लेकर के नगर परिषद और सीएम फ्लाइंग द्वारा